गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माउंटेशिया के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं लक्ष्मी मिस आप लोगों को सूरदास के पद पढ़ा रही थी। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले पद की ओर। अगले पद में गोपियाँ उद्धव से कहती है कि श्री कृष्ण अब बहुत बुद्धिमान हो गए। एक तो पहले ही बहुत सयाने थे, अब तो उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। राजनीति का ज्ञान होकर के राजनीति के ज्ञान ने उनके ज्ञान में और वृद्धि कर दी है। अब वे चालाकी और चतुराई के नहीं हैं, हरि है राजनीति पढ़िया है। समझो बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। राजनीति पढ़ करके और अपना समाचार मधुकर के माध्यम से हमें भेज दिया है। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। पहले क्या कम चतुर थे, पहले बहुत चतुर थे, अब तो मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ गए हैं, अब तो उनकी बुद्धि और ज़्यादा बढ़ेगी। तभी तो हम लोगों को योग का संदेश भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पढ़ा है। अब उनकी बुद्धि इतनी बड़ी हो गई है कि हमें योग का संदेश दे करके उद्धव के हाथ भेज दिया है। उद्धव वाले लोग आगे के जो परहित ढोलत जा। हे उद्धव, पुराने जमाने के लोग कितने अच्छे हुआ करते थे जो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते थे। अब तो ज़माना ही खराब आ गया। आप कितना भी भला करो, कितना भी किसी से प्रेम करो, वो आपकी कोई नहीं सुनता है। अब अपने मन फेर पाए हो, चलत जो हृदय चुराए। अब हम लोग अपना हृदय अपना मन पुनः वापस पा लेंगे जो वो चुरा करके ले गए थे। जो होता है अच्छा ही होता है, कोई बात नहीं। तो क्यों अनीति करें आप उनझे और अनीति छुड़ा। पर एक बात समझ में नहीं आती कि श्री कृष्ण हम लोगों के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अन्याय से लोगों को छुटकारा दिलाने लाने के लिए अवतार लिए हैं। चलो अगर ऐसा ही बात है, राज का जो भूल गए थे कि राजा का पहला कर्तव्य होता है कि वो अपनी प्रजा के साथ अन्याय न करें। वो हमें अपनी प्रजा मानकर ही हमारे साथ अन्याय न करें। हमें बचपन की सखियाँ ना माने, परंतु प्रजा तो मान करके हमारा दुख दूर करें। और हमारा दुख यही है कि वो हमें दर्शन नहीं दे। हमें एक बार अपने दर्शन दे करके हमारे दुख को दूर करके हम पर जो अन्याय हो रहा है उससे हमें मुक्ति दिलाए। एक राजा का धर्म तो यही कहता है। तो इस प्रकार गोपियाँ अपने मन की व्यथा को आपस में और उद्धव से कहती है। बच्चों, आज आप लोगों का पाठ एक का पर सूरदास के पद समाप्त है। अगली कक्षा में मैं आप लोगों को कुछ इसी से संबंधित प्रश्न दूँगी। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।